MNC has always believed in the importance of health and nutrition program for the overall development of the children. So right from the beginning, a balanced meal has been an important component. पूरे दिन में जैसे सुबह रागी दी जाती है या खीर देते हैं, दोपहर में उनको खाना होता है दाल चावल, उसमें पालक या कद्दू या जो हरी सब्जियाँ होती वो देते हैं, दोपहर में वो कड़धान्य देते हैं, चना गुड़, तो ये सबसे वो बच्चों के सेहत पर काफ़ी अच्छा असर है। कई बच्चे लोग पहला जब भी माँ लोग लेके आते हैं ना तो बहुत रोते हैं, मम्मी मम्मी मुझे लेके जा चिल्लाते हैं, फिर बाद में हम लोग ये देख बेटा वो देख बेटा ऐसे करके करके मतलब वो लोग बच्चे को आदत हो जाती है। यहाँ पे आने के बाद 4-5 दिन बाद मैंने उसको स्कूल में डाला, तो स्कूल में आने की वजह से अब वो खाना भी खाता है और दूध ऊपर का नहीं पीता था, और आज की डेट में भी घर में नहीं पीता, स्कूल में अभी भी ऊपर का दूध अपने आप पी लेता है लेकिन घर में नहीं पीता। कुछ तो खाना खाया तो मतलब हमें खा के आया, घर पर नहीं खाने का मेरे को, मतलब उधर का खाना अच्छा है बोलता, हाँ उधर का खाना अच्छा बनता है। मेरा बच्चा स्कूल में आता है ना तो उसको सेहत अच्छा, दाल चावल का जो सब्जी रहता है ना सेंटर में वो निकाल के कई बच्चे बाजू में रखते हैं, तो टीचर लोग बताते हैं बाबा सब्जी भी खाने का है, तो सब्जी खा के ताकत आता है, तो मेरा लड़का वही बात सेंटर में सुन के घर में मुझे बताता है, मम्मी टीचर बोलती है कि पालक का सब्जी लेके आने का, ऐसा ऐसा दाल में डालने का, ऐसा ऐसा पकाने का खाने का, उसमें ना बहुत ताकत आती है। यहाँ पर जब भी पालक सभा होती है तब उनको बच्चों के सेहत के बारे में जानकारी दी जाती है, ये बताया जाता है कि ये हम लोग क्यों डालते हैं, अगर हम पालक का इस्तेमाल करते तो इससे बच्चों को क्या मिलेगा या उनकी सेहत पे क्या असर होगा, सो आप घर में भी क्या कर सकते हैं। कम्युनिटी मीटिंग में इस तरह से करना है इसका डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग करके बताते हैं, फिर माएँ जाके माएँ और बड़े बच्चे जाके अपने घर में करके देखते हैं, और बच्चों के वजन में जो फ़र्क आता है, हमारे पास बच्चों का वजन आ लेता है, इसमें हम लोग जो बच्चे के वजन में फ़र्क है वो दिखा सकते हैं, तो वो देख के माए भी खुश होती है और उनको लगता है हमको ये करना चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे के लिए वो फायदेमंद है। खाना तो मिलता है, कभी खिचड़ी मिलता है, कभी दाल भात मिलता है, कभी चना मिलता है, अच्छा भी लगता है, गर्म रहता है, घर पे ठंडा रहता है, जो नहीं खाते अच्छा लगता है। सबसे अच्छा खाना में दाल भात लगता है। दाल भात खिचड़ी।